राम राम सभी दोस्तों को, आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो बनाने के अलावा, ब्लॉग बनाने के अलावा क्या काम करता हूँ। मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अभी नहा धो के हो गए तैयार, खाना वाना खाएंगे और फिर जाएंगे काम पे। अंकिता और अरविंद चले गए हैं स्कूल, सुमन बना रही है खाना, अभी खाना खाएंगे और उसके बाद में काम पर जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या काम करता हूँ, तो देखते हैं आगे। गरम खाना बना रही है सुमन, गरम गरम फुलकियाँ सिक रही है। ये घी लगाकर रोटियों को चौपड़ दी है। और ये सब्जी बनाई है, आई की सब्जी, घी लौकी की, घिया की सब्जी बनाई है। और ये छाछ, पुदीना, जीरा और सेंधा नमक, अब खाएंगे खाना। सब्जी बढ़िया टेस्टी सब्जी बनी है और छाछ लस्सी, बढ़िया छाछ लस्सी बनी है, काफी जिमो खाना। खाना वाना खा लिया है, अब जा रहे हैं ड्यूटी। तो यहाँ काम करते हैं दिन भर। ये लोसल तहसील का कार्यालय है, डीड राइटर कार्यालय। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं, पट्टा पंजीयन है, इसके अलावा रजिस्ट्री है, होते हैं लाइट पानी की फाइलें वगैरह, अन्य और भी जो डॉक्यूमेंट कार्यालय है तहसील से संबंधित, वो सब यहाँ पे तैयार करे जाते हैं। तो ये काम है मेरा दिन भर का यहाँ पे। तहसील से संबंधित कोई भी काम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं हूँ अभी लोसल बस स्टैंड पे और यहाँ पे ये गन्ने की दुकान लगा रखी है। बात करते हैं भाई साहब से। भाई नाम है भाई साहब? संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, और गन्ने की दुकान सबसे लगा रहे हो? 20-25 साल से ये यहाँ पे गन्ने की दुकान लगा रहे हैं, 20-25 साल से लगा रहे हैं। इसका मतलब गन्ना आपका फेमस है। किस नाम से श्रीनाथ जी के नाम से गन्ना बिल्कुल यहाँ फेमस है, 20-25 साल से लगा रहे हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि उन्होंने बढ़ा दिया है गन्ने का दूध। हमें टेस्ट करते हैं कैसा है, देखें। बहुत अच्छा जूस इन्होंने पिलाया है। यहाँ लोसल स्टैंड पे आओ तो आप ज़रूर इनसे एक बार जूस पीना, इनको सेवा का मौका देना। तो काम से घर आने के बाद में खाना वाना खा लिया है, रात का टाइम हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर आप मेरे को बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।